बाहर आना बोल, क्या बात है? हाँ माल तुझे कैसे दूँ, पिछला बिल तेरा क्लियर नहीं हुआ, मांगने के लिए आ जाता, पहले पिछला बिल क्लियर करेगा तो फिर नया माल मिलेगा। हाँ ज़्यादा टह टह करने की ज़रूरत नहीं है, पैसे हैं तो दे, नहीं तो मोबाइल बंद कर। बॉस वो धीमे का उधार भी बहुत हो गया और 10 दिन हो गए वो आया नहीं है। उसका इंतजाम भी कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, उसका आखिरी डेरा तो यही है ना। ठीक है बॉस। सलाम डोगर साहब। आ गया भिखारी फिर मांगने के लिए डेरे पे। डोगर साहब 10 दिन हो गए नशा नहीं किया मैंने, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, अगर मुझे आप नशा नहीं देंगे तो मैं मर जाऊंगा डोगर साहब, आपकी मेहरबानी मुझे नशा दे दे। देख दी मैं 10 साल से मैं ये मंशियात का धंधा कर रहा हूँ, तेरी तरह मेरा 1.5 लाख रुपया कर्ज है जो तूने अभी तक नहीं दिया मुझे, तो मैं तुझे कैसे दे दूं ऐसे उधार? अगर वो बकाया देगा तो फिर तुझे माल मिलेगा, नहीं तो तुझे माल यहाँ से नहीं मिलेगा। डोगर साहब नशे की आदत की वजह से मुझे काम पे से भी निकाल दिया गया है, 1.5 साल हो गया है मैं बेरोजगार फिर रहा हूँ, घर वाले भी अब खर्चा नहीं देते मुझे, माँ है बहन है सिलाई कढ़ाई करके घर का खर्चा चला रही हैं, आपकी मेहरबानी है मुझे नशा दे दें। बंद कर तकरीर अपनी, बंद कर, पैसे देगा तो माल मिलेगा, नहीं तो इधर से निकल जा। डोगर साहब नशा नहीं देना लेकिन बात तो तरीके से करो। वो 2 टके के नशे ही तू मुझे सिखाएगा बात करने का तरीका? तेरी ये जुर्रत? अच्छू इसको डेरे से बाहर निकाल, चल निकल यहाँ से नशे ही, चल। यार अच्छू तू तो मेरी बात समझ यार। धीमे बात सुन, तेरे लिए 2 दिन का टाइम है, या तो पैसे दे नहीं तो जेल जाने की तैयारी कर। डोगर साहब 2 दिन में मैं कैसे अरेंज करूंगा, 5 दिन बाद मेरी बहन की शादी है डोगर साहब। ये तेरा मसला है मेरा नहीं, पैसे दे नहीं तो निकल जा इधर से, अच्छू इसको निकाल दे। क्या यार किधर जाऊं यार, किसके पास जाऊं यार, ना करूं नशा तो मरता हूं यार, क्या करूं। अर्शद भाई बात नहीं, अर्शद भाई कुछ पैसे दे दे मुझे, अर्शद भाई बड़ी तलब हो रही है, कुछ पैसे दे दो ना यार। धीमे तुझे शर्म नहीं आती, परसों समीना की शादी है और तुझे अपने नशे की पड़ी है। धीमे मेरी नजर से दूर हो जा, दफा हो जा इधर। भाई बात तो सुन भाई, भाई क्या करूं यार, नशा ना मिला तो मैं मर जाऊंगा यार। हाँ मौत और पुलिस से बचने के लिए मुझे एक ही रास्ता नजर आ रहा है, बहन समीना की शादी के जेवर और पैसे मुझे मौत और पुलिस से बचा सकते हैं। बहन की शादी तो फिर भी हो जाएगी मगर मैं इस टाइम बच तो जाऊंगा। ले डोगर ये तेरा माल, मेरा नशा दे मुझे। वाह इन्हें ये कहाँ से लेके आया माल तू, इतना लूट के? जहाँ से भी लाया मुझे मेरा नशा दे, तुझे तेरा माल मिला मुझे मेरा माल दे। अच्छा जा चू इसको, इसका नशा दे और ये रख सामान। ये ले धीमे पकड़ अपना माल।
ओ धीमे ये क्या कर रहा है? धीमे ये नशा कहाँ से लिया? तेरे पास पैसे कहाँ से आए? नशा तो तू करता है, कहीं गलत काम करने तो शुरू नहीं कर दिए तूने? अरशद भाई मैंने समीना का जेवर बेच दिया। धीमे ये तूने क्या किया? बोल किसको जेवर दिया तूने? बता मुझे बता, तुझे शर्म नहीं आई? कल परसों तेरी बहन की शादी है और तू ये उल्टे काम कर रहा है? बता धीमे। वो मैं डोगर को दे आया। ये क्या किया तूने? धीमे डोगर तो बदमाश है, वो दुनिया के घर खराब करता है, तूने भी उसके पीछे लग के अपनी बहन का घर बर्बाद कर लिया। ये नशा अब मैं क्या करूंगा? मेरी बहन की परसों शादी है, मैं जेवर और पैसों का बंदोबस्त क्या करूंगा, कैसे करूं? अब मैं क्या करूं? हाँ यार, अब ये मसला सिर्फ इमाम साहब ही हल कर सकते हैं। हाँ मैं इमाम साहब के पास ही जाता हूँ, कोई मेरा मसला हल करेंगे। इमाम साहब के पास डोगर पढ़ता भी रहा, इमाम साहब की बहुत इज्जत करते हैं डोगर, तो मैं इमाम साहब के पास। वालेकुम अस्सलाम अरशद भाई, क्या हाल है? ठीक है अरशद, सुनाओ कैसे आना हुआ? इमाम साहब बहुत परेशान हैं। क्या हुआ? जैसे आपको पता है 2 दिन बाद मेरी बहन की शादी है। मेरे भाई धीमे ने जो जेवर था पैसे थे वो उठाकर नशे के लिए डोगर को दे दिया। जब से घर से जेवर और पैसे चोरी हुए हैं ना, मेरी बहन की तबीयत भी बहुत खराब है। इमाम साहब डोगर आपका शगीर्द है, आपकी इज्जत करता है, सिर्फ आप ही हैं जो मेरी बहन की शादी ख़त्म होने से बचा सकते हैं। बराए करम आप मेरे साथ डोगर के पास चलें। चलो चलते हैं इकट्ठे, देखते हैं क्या करते हैं। अस्सलामुअलैकुम उस्ताद जी, ठीक है? खैरियत से मेरी डेरे पर आए हैं, मुझे बताना था आपको। एक मजबूरी डोगर साहब आपके पास ले आए हैं। बैठे आप इधर, खड़े हो जगह दें आप, साहब बैठे आप। खैरियत से आए हैं आप हाफिज साहब? डोगर साहब आपसे एक काम है। जी जी बोले। तो उसी सिलसिले में आपके पास आए और बड़ी उम्मीद के साथ आए। जी डॉक्टर साहब, आपको मनशियात का काम करते हुए 10 साल हो गए हैं, नस्लों की नस्लें बर्बाद कर दी आपने। वो डॉक्टर को जानते हो गए आप, इसका चंद साल पहले इंतकाल हो गया था, अच्छा भला था, लेकिन आपके डेरे पे आना शुरू किया, नशे ने उसको कब्रिस्तान पहुंचा दिया। इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं डॉक्टर साहब, 10-10 साल के बच्चे जो हैं वो आपके डेरे पे आते हैं और नशे पे लग जाते हैं। कितनी बहनों के भाई नशे पे लग के वो अपनी बहनों की शादियां नहीं कर पा रहे, तुम्हारी वजह से डॉक्टर साहब। हाफिज साहब मैं उनको खुद तो नहीं लेके आता बुला के, वो खुद आते हैं अपनी मर्जी से, वो सुकून की तलाश में, मैं क्या करूं? डॉक्टर साहब नशे में कैसा सुकून? सुकून तो अल्लाह के जिक्र में है, अगर आप समझो तो। डॉक्टर साहब आपके पास आने का मकसद ये है, ये अरशद भाई हैं और ये उसका भाई दीमा है जो आपके डेरे पर आता है और नशा करता है। वो धीमे ने अपनी बहन का जेवर आपको बेच दिया, वो बता रहा था कि कोई कर्जा है आपका, तो मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ कि मेरी जमानत पे वो जेवर इनको वापस कर दें, ताकि इसकी बहन खुशी खुशी अपने घर हो जाए, और जो इसका कर्जा है वो आपको इंशाल्लाह लौटा देगा, मैं आपको जमानत देता हूँ। हाफिज साहब देखें, आपकी जमानत है तो फिर मैं दे देता हूँ, लेकिन ये शख्स जमानत के काबिल नहीं है। 2 साल हो गए मेरा 1.5 लाख रुपया इसको, इसने नहीं दिया, लेकिन आप कह रहे हैं, आप मेरे उस्ताद हैं, मैं आपसे छोटा होता पढ़ता रहा हूँ, आप अगर कह रहे हैं तो आपकी जमानत पे मैं इसको दे देता हूँ। अच्छू इनको इनका जेवर और इनके पैसे दे दिए जाएं। ठीक है बॉस। चलो बॉस हाफिज साहब को दें आप, हाफिज साहब दें आप। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरशद भाई ये ले। इमाम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मेरी बहन का घर टूटने से बच गया। और डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मोहलत दी, हम इंशाल्लाह आपका कर्जा सारा लुटा दें। ठीक है ठीक है डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया हमारे आने की, आपने लाज रख ली, अब हमें इजाज़त दीजिए, अब हम चलते हैं।
अरशद भाई आपकी बहन ने खुदकुशी कर ली है। क्या मेरे अल्लाह, ये क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारा एक छोटा सा डेमो था जो कि हमारे माशरे के अंदर इस वक्त जो नशा किस तरह बर्बाद कर रहा है हमारे घरों को, हमारे बच्चों से लेके बड़ों तक। और मुझे एक इन्फॉर्मेशन ये भी आई थी कि जो घरों के अंदर ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, वो भी इस नशे को इस्तेमाल कर रही हैं और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रही हैं। तो हमारा एक पैगाम है अपने पूरे माशरे के लिए, ख़ास तौर पर माँ बाप के लिए, कि वो अपने बच्चों पर ख़ास नज़र रखा करें कि वो क्या हरकतें करते हैं, उनकी सोसाइटी क्या है, उनकी कंपनी क्या है। तो हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।